अरे जब तक थोड़ा एक्टिविटी शुरू हो, बिल्कुल वहाँ से चोटी से आए हैं हम, देखना बहुत नीचे आए हुए हैं अभी हम, ये देखिए नीचे से थोड़ा ऊपर आ गए हैं, एक मंजिल के करीब आए हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं आए हैं। और यहाँ पे ये सब करेंगे ये बच्चे, वो देखिए दो चेयर टाइप से बनाई हुई हैं और इनको चलाएंगे, बस इन्होंने यही गेम बनाए हुए हैं यहाँ पे, अपना घूमते हैं इधर उधर बच्चे बड़े जिसको भी घूमना हो, लेकिन हम यहाँ नहीं घूमेंगे। तो हम यहाँ बैठ गए हैं दोनों अपने पोते के साथ, ये देखिए अभी शांत है, ये शांत है, ये अभी उठा था सो के, तो कोई दूध वगैरह मांगा नहीं है इसने, जब रोएगा ना तो एकदम रोएगा, बहुत रोने लग गया आजकल ये। विनीता और सनी चल पड़े हैं, देखिए वो जा रहे हैं वहाँ पे, देखो तेरे पापा बुआ। और इधर वाला झूला है ना, ये तो ज्यादा खतरनाक है, इस पे भी करेंगे क्या बोलो? हाँ। तो उनकी वीडियो बनाऊंगी फिर जब करेंगे, तो वो गए हैं पहले तो सीढ़ियों से चढ़ चढ़ के, वो लोग इतना ऊपर जाएंगे, देखिए जूम करके दिखाती हूँ, कैमरे में भी नहीं आ रहे ढंग से और मेरे को भी नहीं दिखाई दे रहे अभी कहाँ पे हैं वो। ओ ये रहे ये यहाँ पे हैं बिल्कुल, ये ये रहे, ये देखिए ये यहाँ पे हैं, ये रहे, और अभी इनको यहाँ जाना है, ये यहाँ से आएंगे चल के, वो कैसे आएंगे चलिए दिखाती हूँ अभी। ये देखिए अभी विनीता को बांधने लगे हुए हैं, विनीता आएगी पहले और सनी वहाँ से मेरी वीडियो बना रहा है। अब के बार व्लॉग्स में काफ़ी आवाज़ें आप लोगों को सनी की सुनाई देंगी। पापा पी लिया इसने, ये चल पड़ी है विनीता, चलिए देखिए पूरा दिखाऊंगी मैं इसको क्या होगा इसका बाप रे ये क्या कर रही है लड़की के साथ क्या हो रहा है वैसे कितना खतरनाक है ना ये विनीता, वेरी गुड, कम ऑन विनीता, पहुंच गई, ये पहुंच गई है यहाँ पे, वहाँ पे एक बार तो ऐसे हो गई थी, क्या ही हुआ फिर, अब यहाँ से नीचे कैसे आएगी ये, इन सीढ़ियों से उतर कैसे आ जाएगी, ओके ये देखिए सिनेमा का बिस्तर लग चुका है मेरा, और ये घास रेडीमेड है, वैसे ही ओरिजिनल घास नहीं है, और विनीता अभी चल पड़ी है नीचे की तरफ, ये देखिए यहाँ से उतर के आएगी वो ऐसे, ये आ गई है विनीता एक जंग जीत के, दवाई मीना है मीना, सुनो लेट कितना खुश हो गया है, कैसा एक बार क्या रहा है एक्सपीरियंस, डर नहीं लगा विनीता, एक बार है ना सिर में अटक पता नहीं लग गया, वो आगे हो गया मेरा सिर शायद, उस वजह से फिर मैंने पीछे कर लिया, तो डर नहीं लगा तुझे, तेरी गलती नहीं, मजा आया, अभी सनी को दिखाएंगे, दादू मेले को नहीं जाना झूले पे, अबे तेरा पापा देखना इतना भारी है कैसे भला चलता, अभी सनी चलेगा वहाँ से तो क्या करेगा तू, चलिए सनी को देखते हैं, चल पड़ा है सनी, ए देखो ये देखो कितना खतरनाक मामला है ये, अरे बाप रे बाप रे, देखो कहाँ गया ये आ गया तेरा पापा देखो ले, तेरे पापा को देखो ले, यहाँ के बड़ा खतरनाक हो जाता है, यहाँ के थोड़ा अटकन सी है, कर रखी है जान पूछ की, ब्रेकर सा बना रखा है, जैसे भाई ने तेरे पापा को देख ले, चालू एक बार अरे देख ले बोली बोली बेटी पापा को देख लो, आ गया इतना टाइट हो रहा है, जान पिछ रही है, सुनने को डर लग रहा है क्या, पता नहीं आगे पता चलेगा, पहुंच गया बस, इतनी देर का खेल था, ये आ रहा है सनी, अभी डर लगा तुझे, नहीं कुछ ऐसा काम छोटा ही था भाई, वो करना मेरे को लगा तू यहाँ बीच में था, डर लग रहा है तुझे,
नहीं लगा था, इस झूले पे झूलेगी, इस पे चेयर वाले पे झूलना था, लेकिन शनि ने मना कर दिया, लेकिन दो का है ना ये, तो अकेले नहीं कर पाएंगे, तो इस पे जाएगी विनीता अभी। ये विनीता की तैयारी चल रही है, इसको बैठाएंगे बांध बांध के अभी यहाँ पे लगे हुए, देखिए बांध दिया विनीता को, अब देखिए बाप रे, मैं तो देख के डर गई, इसको एकदम से छोड़ देते हैं, वो तो सूट नहीं हो पाया तब तक मैंने ऑन किया, वो छोड़ दिया था उसको, तो ये लड़की है ना हमारी बिल्कुल ही डरती है, इसको कहीं भी चढ़ा दो वहीं जाना होता है, इसको बिल्कुल नहीं डर लगता है, इसको जहाँ भी जो भी कुछ है हर जगह जाना होता है। अभी ये इसमें भी बोल रही है, लेकिन अकेली पड़ेगी ना तो नहीं जा पाएगी। इसको नहीं लगता डर, कहीं भी जाएगी। चलो उतर गई है वो, अब उसको इसको जोड़ीदार नहीं मिला कोई, नहीं तो इसमें भी बैठना था, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, डर नहीं लगा विनीता, एकदम मेरे को तो धक्का होगी, उन्होंने छोड़ा मुझे, छोड़ा ना छोड़ते विनीता की चिंगड़ी हो, और पता है मेरे साथ क्या हुआ, वो ऐसे छूटने वाला तो सूट ही नहीं हो पाया, क्यों मैंने सर इसको स्टॉप कर रखा था ना वीडियो को, वो एकदम से भट्ट हो, हाँ एकदम भट्ट होया, तो मेरे तो ऐसे डर गई, मैं तो मुकायल गई लड़की, तो आप लोगों को जब डर नहीं लगा, जब मैं उल्टी हो गई थी एकदम, तो डर में तो पूरे टाइम डर लग रहा था, तेरे को लग बिल्कुल नहीं लगा कभी भी, हाँ ये पहननी है मेरे को, कर रहा है देखिए, रोई नहीं कर रहा, तो रो रहा है। अभी नाश्ता वास्ता करके चल पड़े, हमने खाए आलू प्याज पनीर के मिक्स पराठे और दही, एक नंबर का नाश्ता था, एक नंबर का नहीं था मम्मी, तो 655 नंबर का था, बहुत ही स्वादिष्ट था, खा पी के और अब हम चल पड़े हैं, नीचे की तरफ मुंह हो गया है, चलिए चलते हैं। अब देखिए रोड के किनारे कैसे टेडी बियर बिक रहे हैं, यहाँ पे बहुत काम करते हैं लोग, यहाँ के कोई भी कहीं भी कुछ भी काम, मतलब किसी भी चीज़ की दुकान, कोई भी काम करने वाले मिल जाते हैं, रास्ते देखो अभी ये कच्चा रास्ता है, बन रहा है शायद, बन चुके हैं, मैं सो गई थी और अभी आ रुके हैं कई खेतों में, मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, यूपी है पर ये पता है क्योंकि गन्ने के खेत हैं काफ़ी, देखो उधर गए हैं, देख पा रहे हैं क्या पीछे, उधर एक ढाबा है छोटा सा, वहाँ पे पानी आने लेने गए हैं विनीता और विनीता के पापा, तो अभी पानी वानी पियेंगे, शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, और अभी थक चुके हैं बिल्कुल, मेंटली भी और फिजिकली भी, कभी करने का मन नहीं कर रहा है अभी, हाँ शिनोय अभी फिट है, शिनोय का दूध मिल गया है देहरादून से, वो ठीक है अभी, मेरठ रुके हैं अभी सीएनजी भरवाने के लिए, हालत हो गई है बिल्कुल ख़राब, और इसको देखो इसके मुझे हैं ये देखो, आजा ये देखो क्या कर रहे हैं भाई, चलो इसकी चेंजिंग करेंगे अभी, पहुंच चुके हैं, और अभी दिल्ली से 63
63 किलोमीटर। देखिए इतना तगड़ा जाम है और 60 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है, कितनी देर में पार होगा। और ये तो दिल्ली का दिखा रहा है, घर तो हमारा दिल्ली के उस पार है, तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं किस टाइम पहुँचेंगे घर। ये टाइम है और रात हो गई है बिल्कुल, गाड़ियाँ सू सू करके जा रही हैं। ये देखिए इस तरफ रेड और इस तरफ वाइट, अभी कोई जाम वाम नहीं है और गाड़ी चल रही है फर्राटे से, लेकिन लेट तो हो ही जाएंगे। जो टाइम सोचा था उस टाइम से लेट पहुँचेंगे। सिनोएस हो गया है, अंधेरा है गाड़ी में, अब कुछ देख नहीं पाओगे आप लोग। मेरा भी थोड़ा जम्मू दिख रहा है आप लोग, नज़ारा अच्छा लग रहा है, गाड़ियों की लाइटें चल रही हैं, तो 3 दिन से नज़ारा ही देख रहे हैं। 2 दिन से पहाड़ों का नज़ारे देख रहे थे और आज ये गाड़ी की लाइट देखो कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन कैमरे में ना एक साथ आ रही है, ये ऐसे अलग अलग नहीं दिख रही हैं, ऐसे देख रहे हैं तो फुल जड़ी सी छुट रही हैं अलग अलग। डायरेक्ट लाइव देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उसको आपको भी आ ही जाएगा, देख लो बस। लो जी आ गए हैं, हो गई है एंट्री दिल्ली में, और अभी हमारा घर यहाँ से 10 किलोमीटर के करीब है, 9 या 10। और टाइम हो गया है 7:45। फाइनली पहुंच गए। खुल गई है गाड़ी की बेल्ट, आ गए हैं। चलिए अभी अपनी गाड़ी कितना उतर जाते हैं नीचे। ये बाइक किस लिए आ रही है? चलिए जी आ गए हैं अपने घर, फटाफट उतारो भाई। ये खड़े हैं हमारे स्वागत में छोटा लाला और साहब है कि मेरे को सामान पकड़ाए जा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि इससे चलना नहीं जा रहा है, इतना दर्द हो रहा है। और ये देखिए ये हमारी दुल्हन है आज की, अय्या करती हुई आ रही है दुल्हन। चलो गौर गड़ी कर लेते हैं इसकी अभी। चलिए अभी उतार लेते हैं सामान वगैरह, फिर थोड़ी देर में बताती हूँ क्या क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं। देख लीजिए, देखिए लेट आते की समय ऐसे फैल गया, पूरे दोनों हाथ एक तरफ करके फैल गया। और मैंने इसके डायपर वाइपर सब निकाल दिए हैं, और देखो एकदम खुश हो गया है ये हमारी दुल्हन तैयार हो गई है। देखिए ये नया सूट पहन लिया इसने नहा धोके, कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है इसको, ये इसकी सासुन दिया है ये। और ये मेरा बेटा देखो ट्रैक सूट में खड़ा है, इसको नए कपड़े ही नहीं मिले इसके सालगिरह पे। बराती ने बराती की माज न दे, हमने बराती। देखो ये डायलॉग किसी को नहीं समझ आया तो बता देना, बता दूंगी। और ये टाइम देख लो, अभी ये टाइम हो गया रात का 9:30 से ऊपर। और मैंने अपनी इजी ड्रेस पहन ली है देखिए, और भी जाएंगे परले घर, आ जाओ भाई। अच्छा अपने फोन वोन ले लेना, परले घर जाएंगे अभी, डिनर वहीं पे बनाया हुआ है मेरी छोटी बहन ने और दुल्हन की छोटी सास चाबी ले ली, ठंडी की रानी है। तो चलिए अभी परले घर चलते हैं, फिर आके और नहा धो के पूजा वूजा कर ली है मैंने। ये देखिए अब इतना घूम आई हूँ और वहाँ तक जाने के लिए मैं बाइक पे जा रही हूँ, वो आ रहे हैं पीछे पीछे। इसमें कहीं जाओ ना तो आने के बाद हालत ही खराब होती है। ये देखिए ये तैयारी हो रखी है यहाँ पे, और अंधेरा अंधूरा कर रखा था इन्होंने, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, किसी की कॉल आ गई आते आते रास्ते में। तो ये देखिए फुल तैयारी की हुई है,
और ये बैठ गए हैं दूल्हा दुल्हन यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर, मतलब कैंडल लाइट केक कटेगा इनका। देखिए केक आ गया है, राजा अपने मामा को खाने की तैयारी हो रखी है। छोटी सास की तरफ से पार्टी है आज। ये रायता है खोलने की क्या जरूरत है, दिख ही रहा है। और ये है कढ़ाई पनीर, ये हमारी दुल्हन का फेवरेट है। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये बना मिलेगा और मेरी उम्मीद पे खरी उतरी है मेरी बहन। तो मेरी तो हालत ऐसे बिखरी बिखरी है, आप सबको पता ही है, पिछली सारी वीडियो देखी होंगी तो पता ही होगा, इतना सब होने के बाद ये तो होना ही था। और यहाँ पे भी कुछ तैयारी है, देखो कुछ कुछ बन रहा है, मैं इसको खोल के देख लूँ। इसमें तो पूरियाँ बनाई हुई हैं, बना के रख दी होंगी थोड़ी सी।